स्वागत है आपका एचआर 71 में। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, किस तरीके से एक्सयूवी गाड़ी किस तरीके से आग की लपटों में तब्दील होगी। आपको बताया जा रहा है कि इसमें कुछ युवक जो है सवार थे और यहां से गुजर रहे, अचानक से जो है एक्सयूवी गाड़ी जो धधक धधक कर चल पड़ती है और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी गाड़ी जो है जल कर खाक हो चुकी है। जी हाँ, 112 को कॉल कर दिया गया। 112 के अधिकारी जो है आप देख सकते वहां पर खड़े हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड जो है अभी तक नहीं पहुंची है। कितने देर पहले एक हादसा हुआ था, कहाँ की गाड़ी है? अच्छा, एक घंटा हो गया जी। अच्छा, हाँ जी। आग कैसे लगी है? ये जल्दी जल्दी आप ही बंद होगी। तो इसे फायर ब्रिगेड नहीं आई? ये भाई जी फायर ब्रिगेड एक घंटे पहले फोन करा था इसमें। साइड में जो तो आप देख सकते हैं कि अब जो है एक घंटा हम उससे पहले पहुंच चुके हैं। जी हाँ, फायर ब्रिगेड से पहले हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है आप देखिए, ये देखिए अब पहुंची है फायर ब्रिगेड की गाड़ी। किस तरीके से गाड़ी जो है पूरी तरह जो है जलकर खाक हो चुकी है। जी हाँ, पूरी तरह से जलकर जो है खाक हो चुकी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है अब पहुंची है। और किस तरीके से बता दे, ये गाड़ी में जो है अचानक से खराबी आने के बाद जो है इसमें आग लग जाती है, और आग लगने के बाद जो है अब जो है आप देख सकते हैं कि फायर फाइटर्स जो है यहाँ पर पहुंच चुके, हालांकि गाड़ी जो है पूरी तरह से जल चुकी है। तो देख सकते हैं कि पूरी की पूरी गाड़ी जो है आग की लपटों में तब्दील है। पूरी गाड़ी जो है जलकर खाक हो चुकी है। जी आपको बता दे, पूरी गाड़ी खाक हो चुकी है। फायर ब्रिगेड जो है आप पहुंचे हैं। गाड़ी में कितने लोग सवार थे, कौन कौन थे गाड़ी? पांच थे जी। आप भी थे गाड़ी में? हाँ जी, हम भी थे जी। भाई चला रहा था जी। क्या हुआ था जाने? ये ना यहाँ पर बंद हो गया आगे, तो इसमें सलफ मार के ये बंद हो गया। हम बाहर आ गए, इतनी देर में आगे आग लगी इसमें आगे, तो आग बुझाई वो बुझी नहीं। अच्छा। तो बस ही गिरी, फिर हम नीचे उतर के 5 गेट पे करे फोन। 5 गेट ही भाई जब सारी आग है जी। गैस वाली गाड़ी है ना? डी पेट्रोल में है जी। हाँ जी, डीजल में जी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी जो है ऊपर से भी जो है वाटर कैनन दो जगह से जो है इस आग को बुझाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि फायर फाइटर जो है लेट पहुंचे, अगर वक्त रहते पहले पहुंच जाते तो शायद गाड़ी थोड़ा बहुत बच जाती। लेकिन आपको बता दें किस तरीके से यमुनानगर के दादूपुर रोड की ये घटना है, जहां पर आपको बता दें कि आग लगने के बाद जो है किस तरीके से एक्सयूवी गाड़ी, महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी जो है पूरी तरह से जो है खाक हो चुकी है। आपको बता दें किस तरीके से पूरी तरह से खाक हो चुकी है। मुझे आप सभी जमील इस वक्त 12 से 1 बजे हुए, रात के 12 1 बजे हुए हैं, और किस तरीके से सड़क पर चलती हुई गाड़ी जो है एक्सयूवी गाड़ी जो है जलकर राख हो जाती है। क्या कारण था ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें किस तरीके से सड़क किनारे खराब होती है और खराब होने के बाद यहाँ पर खड़ी कर दी जाती है, और जिससे कि आग लग जाती है। आपको बता देगी किस तरीके से फायर फाइटर जो है अपनी जान पर खेलकर जो है आग बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आग को बुझा दिया गया, लेकिन गाड़ी जो है खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पूरी गाड़ी कुछ देर पहले बड़ी लपटों में थी गाड़ी, लेकिन अब जो है आग बुझा दी गई है, लेकिन अफसोस पूरी गाड़ी जो है जलकर राख हो चुकी है। अब जैसा कि एक्सयूवी गाड़ी थी, पूरी की पूरी गाड़ी जो है जलकर खाक हो चुकी है। बड़ा हादसा, हालांकि इसमें 4 से 5 लोग बताया जा रहा है कि सवार थे, जो कि मौके से है भाग खड़े होते हैं और जान बच जाती है। लेकिन गाड़ी आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी गाड़ी जो है जलकर खाक हो चुकी है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, दादूपुर लेदी से दादूपुर रोड जो है एक बड़ा हादसा हुआ है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें। Thank you.
देख सकते हैं कि फायर फाइटर्स की जो टीम है वो कहीं ना कहीं आग बुझाने के लिए हर वो कोशिश की है, लेकिन गनीमत यह है कि वक्त रहते ही जो है गाड़ी एक मिनट में जो है धू धू कर जल गई है। आप देख सकते हैं एक्सयूवी गाड़ी थी, 2012 मॉडल ये गाड़ी बताई जा रही है, जो कि अचानक से सड़क पर आग लगती है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी का नंबर है HR 70B 7486 नंबर ये गाड़ी बताई जा रही है। और देख सकते हैं कि पूरी की पूरी गाड़ी जो है जल कर खाक हो चुकी है। मेरे आप सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर करें, किन कारणों से आग लगी है ये भी कहना मुश्किल होगा, लेकिन पूरी की पूरी गाड़ी जो है जल कर खाक हो चुकी है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे थे लेदी रोड से, जहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहाँ पर एक गाड़ी पूरी तरह से जो है खाक हो चुकी है। आपको बता दें कि चलते चलते अचानक से गाड़ी में जो है खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी को यहाँ पर खड़ा किया गया था, और खड़ा करने के बाद जैसे ही यहाँ पर रुकते हैं और अचानक से जो है धू धू कर जलने लग जाती है। काफ़ी ज़्यादा जो है इस गाड़ी में नुकसान है, पेट्रोल की गाड़ी बताई जा रही है, रात के वक्त की घटना है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें। फायर फाइटर की टीम है, उनसे भी जान लेना चाहेंगे, क्योंकि लोगों का आरोप है कि लेट पहुंचे। सर लेट पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि गाड़ी अगर वक्त पर पहुंचते तो हम आग बुझा के गाड़ी बचा सकते थे, क्या कारण है, लेट क्यों पहुंचे सर? एक्चुअली में जो हमारा लेदी तक रोड है जो बिल्कुल ही काफ़ी डैमेज हो पड़ा है, तो इसकी वजह से बड़ी गाड़ी है और काफ़ी जगह ब्रेकर्स हो जाते हैं, ब्रेक हो जाती है गाड़ी की, तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाते हैं। कितने बजे सूचना मिली थी आपको? सूचना के अकॉर्डिंग हमारे पास फोन टेलीफोन ऑपरेटर है जो वो अकॉर्डिंग दे सकता है, क्योंकि हमारे को जैसे ही सूचना मिलती है हम टाइम वो टेलीफोन ऑपरेटर नोट करता है, हम जो है फायर स्लिप लेकर के निकल चुके होते हैं। गाड़ी कहाँ से आई है? गाड़ी छिजरौली से आई है सर। तो कितना टाइम लगा आपको यहाँ? हमारे को लगभग सर 15 से 20 मिनट का टाइम लगा सर। रोड बिल्कुल खत्म है, इसलिए लेट? सर पुलिया बन रही है, रोड का काम चल रहा है काफ़ी हद तक, आप ही देख ही सकते हो खुद जा करके कि रोड का काफ़ी काम मेंटेन पे हो रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो सकता है हमारे से, क्योंकि सारी हाँ सर गाड़ी बिल्कुल ख़त्म है, ये इसमें कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं है। क्या लगता है किस कारण वजह से लगी होगी आपको? सर कारण तो गाड़ी के अंदर कई होते हैं, लेकिन हम बता नहीं सकते इस चीज़ के लिए, कई बार बैटरी में ब्लास्ट हो जाता है या वायरिंग शॉर्ट हो जाती है या हैंड ब्रेक की वजह से, टायर गर्म होने की वजह से, या एनीथिंग जो भी हो सकता है सर, वो हम मौके पर नहीं बता सकते हम इससे। हाँ आग बिल्कुल पूर्ण। क्या नाम है सर आपका? मेरा विशाल है जी, फायरमैन विशाल शर्मा। तो ये हमारे साथ फायर फाइटर्स थे, विशाल शर्मा थे, जिन्होंने बताया लोगों का आरोप था कि कहीं ना कहीं लेट पहुंचे, लेकिन आपको बता दें कि एक्सयूवी गाड़ी जो है पूरी तरह से जो है जलकर खाक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि खड़ी गाड़ी में कहीं ना कहीं खराबी आ गई थी, और जिस वजह से गाड़ी को रोका गया सड़क पर, उसके बाद जो है आप देख सकते हैं नंबर प्लेट जो है जमीन पर चिपकी हुई थी, आप देख सकते हैं कि नंबर प्लेट जो है ज़मीन पर चिपकी हुई थी, और कहीं ना कहीं फायर फाइटर्स जो है अब इस गाड़ी को आग पूरी तरह से बुझाने के बाद और कहीं ना कहीं अब जाकर जो है राहत मिली है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें। गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है, लेकिन गनीमत की बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई, लेकिन आपको बता दें कि गाड़ी जल गई है, लेकिन गाड़ी की चाबी दिखा सकते हैं, यही इसी गाड़ी की चाबी थी? हाँ भाई, ये वो चाबी थी, बस यही चाबी ही बची है। क्या लगता है किस कारण से आग लगी है? किसी को चोट तो नहीं आई? कितने लोग सवार थे उस टाइम? 6-7 लोग थे भाई साहब, बाकी जैसे ही आगे से धुआं उठा गाड़ी यहाँ रोकी और सब उतर गए नीचे, जय उतर गए, सब के सब बच गए, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो गाड़ी, खत्म हो चुकी है? गाड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कौन सा मॉडल थी सर? गाड़ी मैं कहूँ शायद 2012-13 मॉडल आई। काफी नुकसान हुआ, कितने की गाड़ी? नुकसान गाड़ी का कम से कम 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ भाई साहब। इंश्योरेंस वगैरह था? ना इंश्योरेंस नहीं है भाई साहब, इंश्योरेंस अभी 4 दिन पहले खत्म हुआ इसका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस था ही नहीं? नहीं खत्म हो गया इसका इंश्योरेंस, अभी 3-4 दिन पहले हुआ था। नुकसान हो गया बस 5 लाख का नुकसान हुआ भाई, क्या करें। कौन से गाँव की गाड़ी थी? ये गांव पंजेटियों से थी, नाम किसी और किया भाई साहब, हमने ले रखी है, एक भाई ने ले रखी थी, मैं चला रहा था इसको। तो कहां से कहां जा रहे थे? हम अपना यहां से लेदी से दादूपुर की तरफ जा रहे थे।
आप देख सकते हैं कि गाड़ी की सिर्फ चाबी ही बची है और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि इंश्योरेंस भी जो है 3-4 दिन पहले खत्म हुआ था। मेरी आप सभी से अपील, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो इंश्योरेंस वाहन के सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें ताकि कभी भी कोई हादसा हो तो आपको उसका बेनिफिट मिल सके। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि एक्सयूवी गाड़ी थी, आप देख सकते हैं कि अंदर से आप देख लीजिए पूरी की पूरी गाड़ी जो है जलकर खाक हो चुकी है। कोई भी ऐसा सामान जो है गाड़ी के अंदर सही सलामत नहीं बचा, पूरी की पूरी गाड़ी जो है जलकर खाक हो चुकी है। फायर फाइटर्स की गाड़ी जो है यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी है, लगभग गाड़ी की जितनी भी आग लगी हुई थी तुरंत यहाँ मौके पर पहुँच कर जो है आग को बुझाया, लेकिन तब तक गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर करें। HR71 के लिए लेद्दी से सरनजीत सिंह।